नहीं ज्ञाने न सदृशम, नहीं ज्ञाने न सदृशम, पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्, तत्परः संयतेन्द्रियाः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। योग का मूल ज्ञान है और भोग का मूल अज्ञान है। सुख का, शांति का, समृद्धि का, संतुष्टि का और मुक्ति का आधार ज्ञान और ज्ञान युक्त, यथार्थ ज्ञान युक्त, तत्व ज्ञान युक्त, विवेक युक्त जीवन है, आचरण। ज्ञान युक्त ज्ञान बोलो, यथार्थ ज्ञान बोलो, तत्व ज्ञान बोलो, विवेक बोलो, एक ही बात है। जब हम यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं, सत्य ज्ञान से युक्त होते हैं, तत्व ज्ञान से युक्त होते हैं, निर्भ्रांत ज्ञान हमें होता है और उसी के अनुरूप हमारा जीवन होता है, आचरण होता है, वाणी व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, तो हम योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जब अज्ञान से, अहंकार से, और अज्ञान और अहंकार युक्त प्रवृत्ति से युक्त हो जाते हैं तो ही हम अनंत दुख सागर में डूबते हैं। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, यही मुक्ति है। अभी हमने आपको दर्शनों के सूत्रों के साथ ये बात बताई, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है। योग की चार प्रमुख पद्धतियां मानी जाती हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। ऐसे ज्ञान योग में और राजयोग में यद्यपि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ज्ञान योग, कहीं कहीं राजयोग ज्यादा शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि योग की दो ही मूल शाखाएं हैं, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। ज्ञान योग में राजयोग अंतर निहित है और कर्म योग में भक्ति अंतर निहित है। मूल ज्ञान है, जब हमें निर्भ्रांत ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो हम जीवन को, जगत को इस पूरे दृश्य अस्तित्व को, इस मूर्त व्यक्त प्रत्यक्ष सगुण साकार इस अस्तित्व को, इसके पीछे इस मूर्त दृश्य व्यक्त प्रत्यक्ष सगुण साकार अस्तित्व के पीछे जो एक अमूर्त सत्ता है उसको ठीक ठीक से समझ लेते हैं, उसको अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हमारा अज्ञान मिट जाता है, अविवेक खत्म हो जाता है, हम निर्भ्रांत हो जाते हैं, सारे कन्फ्यूजन्स, सारे संशयों का अंत हो जाता है। और फिर भगवान को हम सब ज्ञान का, सब शक्तियों का, सब सामर्थ्य का, सब ऐश्वर्य का, सारी विभूतियों का, सारे सुख का, शांति का, सब कुछ का आधार, सर्वाधार, जगदाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक,
सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, इस सृष्टि के कर्ता नियंता संघर्ता अजर अमर नित्य अविनाशी भगवान की शरणागति में भगवान की भक्ति में जीने लगते हैं। मैंने कहा कि ज्ञान के कई स्तर हैं, कई उसकी श्रेणियां हैं, कई पहलू हैं, कई उसके क्षेत्र हैं, और यदि सारे ज्ञान को दो शब्दों में कहा जाए तो ये अपरा और परा विद्या हैं। यदि उसको आम भाषा में बोला जाए तो एक भौतिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक भौतिक विद्या है, एक अध्यात्म विद्या है। तो भौतिक विद्या में तो हमारी डिफरेंट सेक्टर्स होते हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट हमारे नॉलेज के फील्ड हो सकते हैं, डिफरेंट हमारे स्किल्स हो सकते हैं, और उस ज्ञान की भी अलग अलग श्रेणियां हो सकती हैं उन क्षेत्रों में भी। और हमारे कौशल के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं, हमारे स्किल के भी डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। टाइप ऑफ नॉलेज एंड साइज ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ वर्क एंड साइज ऑफ वर्क, टाइप ऑफ डोनेशन एंड साइज ऑफ डोनेशन, टाइप ऑफ वेल्थ एंड साइज ऑफ वेल्थ, इन सब की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, सामान्य उपयोगिता है। सबका अलग अलग प्रकार का सामर्थ्य होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में हमारा नॉलेज होता है, हमारा स्किल होता है। लेकिन इस भौतिक विद्या से अधिक जो महिमा है वो अध्यात्म विद्या की है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें ये बोध हो जाए ज्ञान का ये अंतिम उद्देश्य है, ज्ञान की अंतिम परिणति है, ज्ञान की अंतिम उपलब्धि है, ज्ञान का ये अंतिम फल है कि हमें बोध हो जाए कि सबके मूल में भगवान है और मैं निमित्त मात्र हूं। यही अध्यात्म विद्या है, यही पराविद्या है। यह अनुभूति हो जाए और हम यंत्रवत शाश्वत के प्रतिनिधि बन करके, भगवान के यंत्र बन करके, निमित्त मात्र हो करके, निराभिमानी हो करके, और वेदानुकूल शास्त्रानुकूल गुरुओं के ऋषियों के अनुकूल अपने आत्मा के अनुकूल आचरण करते हैं, यही ज्ञान योग है। ज्ञान स्वयं कर्म में परिणत हो जाता है, ज्ञान कर्म में परिणत होता ही है, ज्ञान बिना कर्म में परिणत हुए रुकता ही नहीं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, ये क्रम है। ज्ञान हमारे भीतर भिन्न प्रकार के विचारों को, संवेदनाओं को जन्म देता है और उससे हम उस कर्म में ना चाहते हुए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। वो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, वैसे तो हमारे यहाँ पर ज्ञान शब्द का प्रयोग सम्यक ज्ञान के लिए, यथार्थ ज्ञान के लिए, विवेक के लिए, सत्य ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, निर्भ्रांत ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान ऐसे दो शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। और कई बार जैसी जिसकी जानकारी वो सही भी हो सकती है, ज्ञान जो है जिसका जैसा ज्ञान, जिसकी जैसी समझ। अब अच्छी बात के लिए समझ और ज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी ज्ञान और अज्ञान जब दोनों वहाँ सापेक्ष होते हैं तब भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ज्ञान ये हो गया कि सबके मूल में भगवान ही है और मैं निमित्त मात्र हूँ, ऐसे भाव से जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग हो गया, और वो कर्म फिर भक्ति हो जाता है हमारी, वो भगवान के लिए कर्म हो जाता है। हम एक तो नौकरी पेशे के लिए कर्म करते हैं, एक
अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं। कर्मों की भी कई श्रेणियां हैं, एक हम आदर्श के लिए कर्म करते हैं, एक सकाम कर्म होते हैं, मतलब एक तो सामान्य कर्म हो गए, एक पाप कर्म हो गए, एक मिश्रित कर्म हो गए, शुभ कर्म हो गए, सकाम कर्म हो गए। जो सबसे ऊंचा कर्म माना जाता है वो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि हम भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करते हैं, आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणाएं उठती हैं उसके अनुरूप कार्य करते हैं, वेदानुकूल कार्य करते हैं। हम वेदानुकूल कर्म करते हैं, शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, गुरुओं और ऋषियों के अनुकूल कर्म करते हैं, तो इसी को ही हमारे यहाँ पर निष्काम कर्म की संज्ञा दी गई है। जो सात्विक स्वार्थ की भावना से भी कर्म किए जाते हैं, चाहे वो परोपकार के ही कर्म क्यों ना हो, वो भी जो है उसे हमें पुण्य लोक मिलते हैं, यश की प्राप्ति होती है, उससे हमारा पुण्य संचित होता है। कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पुण्यों का क्षय होता है या तो हमारे पुण्यों का संचय होता है। और इस पाप और पुण्य से भी परे योगी का कर्म होता है, उसको दिव्य कर्म की संज्ञा दी गई है, उसको निष्काम कर्म की संज्ञा दी गई है, उसको आप्त कर्म की संज्ञा दी गई है। खैर, तो मैं कह रहा था ज्ञान योग का अगला जो चरण है, ज्ञान की कही जो अगला सोपान है, अगली सीढ़ी है, वो ज्ञान योग की अगली सीढ़ी कर्म योग है और उसकी भक्ति योग है। और जो महर्षि पतंजलि ने समाधि योग, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूति योग, कैवल्य योग जो अपने योग सूत्रों में कहा है, वही राजयोग है। राज माने प्रकाश, राजदीप्त, जिससे हमारा जीवन प्रकाशित हो जाए, हमारी प्रज्ञा प्रकाशित हो जाए। खैर, तो ज्ञान योग के चार अंग माने गए, एक विवेक, सत असत का, शुभ शुभ का, धर्माधर्म का, पाप पुण्य का, अच्छे बुरे का हमें बोध हो जाए। तो विवेक शब्द बनता है विचिर पृथक भाव्य धातु से घय प्रत्यय करके, और उसका अर्थ मतलब हम चीज़ों को पृथक पृथक रूप से यथार्थ रूप में अनुभव कर सकें, उसको विवेक कहते हैं। तो परमाणु से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो इस जगत के शाश्वत सत्य हैं, उनका हमें निर्भ्रांत जब तक ज्ञान नहीं होता, कहीं ना कहीं उलझन बनी रहती है, कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं, संशय बने रहते हैं, भ्रांतियाँ बनी रहती हैं, और उन भ्रांतियों के चलते हम सत्य से वंचित रह जाते हैं, सत्य से दूर रह जाते हैं, सत्य ओझल रहता है हमारे लिए। तो इसलिए विवेकपूर्ण आचरण, विवेकपूर्ण व्यवहार, विवेकपूर्ण संबंध, विवेकपूर्ण समृद्धि, विवेकपूर्ण हर एक कार्य जो भी हम करते हैं, यदि वो विवेकपूर्ण नहीं है तो हम योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो किसी भी चीज़ का बेसिक है विवेक। आध्यात्मिक दृष्टि से जब विवेक हो जाता है तो फिर आदमी की आसक्ति हट जाती है। ये करते हैं तीन चीज़ें बड़ी दुख देती हैं, अतीत का शोक, वर्तमान की आसक्ति और भविष्य की चिंताएं, असुरक्षा। जब विवेक हो जाता है तो व्यक्ति का राग हट जाता है। दृष्टानुश्रय विषय वित्रिष्य से वशिकार संज्ञा वैराग्यम, इसी को वैराग्य कहा। ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम, माने जब आपको यथार्थ ज्ञान हो गया तो आपकी आसक्ति हट गई ना। प्रेम अलग तत्व है और आसक्ति, मोह, भ्रांति अलग चीज है। प्रेम तो बहुत ऊंचा होना चाहिए हमारा, वो प्रेम की पराकाष्ठा में हमको जीना चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, कर्म की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, निष्ठा की, श्रद्धा की, समर्पण की पराकाष्ठा में जीना चाहिए हमको। लेकिन ये जो राग है ना, ये हमको दुख देता है। राग और द्वेष,
इसी को दोष शब्द से कहा गया न्याय दर्शन में। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना मित्रोत्तर पाए तद अनंतर पाया था पर्व। तो ये दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना मित्रोत्तर पाए तद अनंतर पाया था पर्व। तो ये जो मिथ्या ज्ञान युक्त, मिथ्या ज्ञान से दोष, दोष से फिर दोष युक्त प्रवृत्ति, उसी से जन्म मरण और दुख, और इन इसका हटना यही अपवर्ग है। तो खैर, तो विवेक जब हमारे भीतर जागृत होता है तो ये आसक्ति को हटा देता है, फिर हम प्रेम से करुणा से वात्सल्य से दिव्य भावों से जुड़े रहते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं रहती है। जैसे आप सबसे हमारा प्रेम है लेकिन आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, बंधन नहीं है उसमें किसी प्रकार का, कोई आग्रह नहीं है उसमें किसी प्रकार का, उसमें अहंकार नहीं जुड़ा हुआ है किसी प्रकार का, अधिकार नहीं जुड़ा हुआ है किसी प्रकार का। आप अपने संबंधों के बारे में जब विवेक पूर्वक विचार करेंगे, विवेकपूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो हमारे संबंधों में विवेकपूर्ण संबंध बहुत थोड़े होते हैं, हमारे मोहपूर्ण संबंध अधिक होते हैं, इसीलिए उन संबंधों से दुख मिलता है। यदि ये सारे संबंध हमारे पति पत्नी के, गुरु शिष्य के, मित्र के, पुत्र के, सारे संबंध हमारे विवेकपूर्ण भी हो सकते हैं, इतनी दिव्यता चाहिए आपको, और गृहस्थ में रह करके भी आप वैराग्य को धारण कर सकते हैं, और सन्यासी बन करके भी आप राग द्वेष में फंस सकते हैं। विवेक वैराग्य सत्संग ज्ञान योग के ये चार स्तर माने गए हैं, चार श्रेणियां उसकी कही गई हैं। सत्संग शब्द का उल्लेख जो है ये पुराणों में अधिक मिलता है, हमारे यहाँ पर स्वाध्याय शब्द का उल्लेख मिलता है। स्वाध्याय आत्मनिष्ठ होता है, सत्संग किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके हम कुछ श्रवण करते हैं, इसकी भी महिमा है। यदि कोई वास्तव में प्रामाणिक महापुरुष है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु है, किसी समर्थ गुरु सत्ता के चरणों में बैठ करके जो हम सीखते हैं उसकी एक अलग ही महिमा है। अब सबका गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करना संभव नहीं होता है, किसी महापुरुष ने जिन्होंने सत्य को ठीक ठीक समझा है, शास्त्रों की मर्म को ठीक ठीक समझा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ज्ञान का, और उसमें किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष का, ऐसे किसी समर्थ गुरु का सानिध्य मिलना भी कोई सहज काम नहीं है। तो प्रामाणिक किसी महापुरुष से हमें सत्संग मिले, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके संग से हमारा जीवन प्रकाशित हो, प्रभावित करने वाले लोग बहुत हैं। एक डुगडुगी बजाने वाला, बंदर बंदरी के खेल दिखाने वाला, वो भी हमको प्रभावित कर देता है। एक नट जो है वो रस्सी पर खेल दिखाता है, वो भी हमें प्रभावित कर देता है। एक क्रिकेटर भी हमें, एक एक्टर भी हमें प्रभावित कर देता है। प्रभावित करने वाले लोग हमें जीवन में क्षणिक खुशी तो दे सकते हैं, हम हंसने लगते हैं, हमें कभी जो है जितने भी एंटरटेनमेंट कराने वाले लोग क्या हैं, ये सब प्रभावित करने वाले लोग हैं। गुरु प्रभावित नहीं करता है, गुरु हमें प्रकाशित करता है। प्रकाशित होने का अर्थ है उसमें आप जीने लग गए, जैसा गुरु ने हमें उपदेश दिया वो हमारे जीवन में घटित हो गया, वो हमारे आचरण में उतर गया, ऐसा होता है गुरु जो हमें